मैं YouTube चैनल अध्यात्म और संसार से मनीष शर्मा, आज हरिद्वार गंगा जी में। तो आज हम बात करेंगे गंगा जी में नहाने से कौन पवित्र होता है, किसके पाप मिटते हैं, कौन शुद्ध होता है। तो ये तो आजकल विज्ञान ने साबित कर दिया है कि गंगा जी का पानी कितना शुद्ध, पवित्र और निर्मल है। तो दो बातें इसके संबंध में भी कर लें कि दुनिया में एकमात्र गंगा जी का ऐसा पानी है जिसे वर्षों तक, चाहे हजारों सालों तक कहीं रख दिया जाए बंद करके, लेकिन खराब नहीं होता। दूसरा, एकमात्र गंगा जी का ऐसा पानी है जिसमें हड्डियां, मानव की हड्डियां अपने आप घुल जाती हैं। दुनिया में ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहां पे पानी में मानव की हड्डियां घुलती हों। तो इसी तरह से तीसरा है, अगर गंगा जी के पानी में, इतने से पानी में गंदे नाली का जो पानी होता है वह, या उसके जो गंदे से गंदे कीटाणु हैं वह गंगा जी में डाल दिए जाएं उतने से पानी में, तब भी उसके भीतर, गंगा जी के पानी के भीतर से इतनी उसी टाइम ऐसे ऐसे जीवाणु एकदम से, अगर 10 गंदे कीटाणु डाले जाएं तो 100 ऐसे जीवाणु पैदा होते हैं जो गंदे कीटाणुओं को खाकर एकदम पानी को दोबारा शुद्ध कर देते हैं। अर्थात गंगा जी कभी मैली नहीं होती, यह विज्ञान ने साबित किया है, मैं नहीं कहता। तो आज बात करते हैं कैसे कैसे, कौन कौन लोग इसमें शुद्ध हो सकते हैं, कौन पवित्र हो जाते हैं, और कौन मात्र शरीर का ऑरा एनर्जी को धोकर जरा हल्के होकर चले जाते हैं। वैसे तो गंगा जी में नहाने का महत्व बहुत है, लेकिन जो चीज़ मैंने महसूस की है, जो लोग गहरी श्रद्धा भाव से नहीं भी भरे होते हैं वह भी बहुत ज़्यादा शुद्ध हो जाते हैं। उनका ऑरा और एनर्जी गंगा जी में डुबकी लगाने मात्र से काफ़ी शुद्ध और पवित्र हो जाती है, उनका ऑरा अपने आप साफ हो जाता है। और दूसरी, इस पर बात करने से पहले एक पुरानी बात पर बात करते हैं। कहते हैं एक बार भगवान शिव और माँ पार्वती की बात हो रही थी कि गंगा जी में नहाने के बाद कितने लोग पवित्र हो रहे हैं, कितनों के पाप मिट रहे हैं और कितनों के नहीं। तो ऐसा कहा माता पार्वती ने शिव जी से, भगवान शिव माता पार्वती को लेकर गंगा जी के किनारे आ गए, खुद एक लंगड़े लूले का भेष बना लिया और माता पार्वती के साथ चलने लगे। चलते चलते एक गड्ढे में गिर गए और माता पार्वती लोगों से विनय करने लगी कि मेरे पति को गड्ढे से निकाल दो। लोग निकालने के लिए जैसे ही आगे आते थे तो कहते हैं माता पार्वती कहती थी कि जो भी मेरे पति को गड्ढे से बाहर निकालेगा वो गड्ढे से बाहर आ जाएंगे, लेकिन मेरे पति के जो भी कुकर्म हैं, जो भी उनके पाप हैं, वह उस व्यक्ति को मिल जाएंगे जो इन्हें गड्ढे से निकालेगा। तो ऐसा सुनकर जो भी गंगा जी नहाने आ रहे थे लोग, वह उनको छोड़कर अपने नहाने निकल जाते थे। कोई भी, इस तरह से पूरी रात बीत गई, कोई नहीं आया। सुबह एक युवक आया, माता ने उनसे वही विनती की तो युवक ने आगे बढ़ा और जब उनकी विनती सुनी तो एक तरफ उन्होंने गंगा जी की तरफ देखा और दूसरी हाथ भगवान शिव के उस रूप की तरफ बढ़ाया और उन्होंने खींच के गड्ढे से बाहर निकाल दिया और कहा कि अगर मैं एक बार यहाँ पे नहा के शुद्ध और पवित्र हो गया तो दूसरी बार इनके पाप मुझे लग भी गए तो भी मैं दूसरी बार जाके नहा लेता हूँ, फिर शुद्ध पवित्र हो जाता हूँ। कहने का अर्थ यह है कि जिसके भीतर बहुत गहरी श्रद्धा, विश्वास, भक्ति भरी होगी वह निश्चित ही अपने पापों से मुक्ति पा लेता है। यह जो मुख्य बात है, आपकी भावना आपके विश्वास के ऊपर है। अगर आपके विश्वास भीतर बहुत गहरा है तो 100% आप पापों से मुक्त हो जाएंगे। अगर आपके मन में किंतु परंतु तरह के कई तरह के प्रश्न हैं तो यह प्रश्न आपके जो प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा उसी के ऊपर पड़ेगा। वह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितने शुद्ध पवित्र हो सकते हैं, आपकी भावना, आपकी मान्यता के ऊपर निर्भर करता है। जो जितना निर्मल, जितना शुद्ध पवित्र भाव से गंगा जी में या कहीं भी एकमात्र जल में भी कोई विश्वास से अगर स्नान कर ले कि वह पापों से मुक्त हो जाएगा तो वह निश्चित ही हो जाएगा। इस तरह से पूरा हमारा इतिहास है। तो यह तो बहुत जो पावन गंगा जी का स्थान है। तो आज का जो मेरे कहने का अर्थ था वह यही था कि अगर आपके भीतर गहरा श्रद्धा, विश्वास है तो आप हर मुसीबत को पार कर सकते हैं, चाहे पुण्य कर्म कमाने हो या भव सागर पार करना हो या शारीरिक निरोगता या कोई सिद्धि प्राप्त करनी हो, तो सब में आप पूरी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। सारा का सारा खेल आपके विश्वास, आपके अवचेतन मन के ऊपर टिका है। तो इसलिए अपने बच्चों को
इस तरह के ऐसी प्रेरणादायक कहानियां जरूर सुनाएं जिससे उनके मन के उनके अवचेतन मन के भीतर एक विश्वास निर्मित हो सके ताकि उनके भविष्य में कहीं ना कहीं काम आ सके। तो धन्यवाद मित्रों, नमस्कार, अगली वीडियो में अगली बात करेंगे। नमस्कार।